नबी कहीं इज्जत नहीं होता मगर अपने वतन में अज़ीज़ मोमन खुशपुर से जबारिया एरिक का आप सबको सलाम यकम फरवरी बुध का दिन हमारे लिए आज की तलावत अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस मरकस उसका छठा बाब पहली छः आयत। फिर वहाँ से रवाना होकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत ख़ाने में तालीम देने लगा और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला और ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मुजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं क्या ये वो भड़ई नहीं इब्ने मरियम और याकूब और यूसफ़ और यहूदा और शमाउ का भाई और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी इस पर यसु ने उनसे कहा नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता मगर अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में और वो कोई मोज़ज़ा वहाँ ना दिखा सका सिवाय इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें शिफा बख्शी और उसने उनकी बेइत्तकादी पर ताजुब किया और वो इर्द गिर्द के गाँव में तालीम देता फिरा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदामंद की खास बरकत हो आमीन बाप और बेटे और कुद्स के नाम में आमीन खुदावंद सुमसी की शफकत और सलामती आप सब के साथ हो खुशपुर से एरिक सिल्वेस्टर खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम को बयान करने के लिए आप सब की खिदमत में हाजिर है अज़ीज़ मोमन आज की पहली तिलावत अब्रानियों की कलिसिया के नाम ख़त से ली गई है जहां मुसनफ़ अब्रानियों की कलिसिया को याद दिलाता है कि हो सकता है तुमने ज़्यादा दुख उठाए हों लेकिन अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें ख़ून बहा हो मुनफ़ उन्हें खुदा की तरफ़ से तंबी करता है कि ये दुख और मसाइब इंसान के नुक़ नगाह से तो एज़ारसानी हो सकती है मगर खुदावंद के नुक़ नज़र से तादीब है खुदा अपने लोगों को बताता है के दुखों परेशानियों और मुसीबतों में उनका रवैया कैसा होना चाहिए लाजिम है कि वो खुदावंद की तंबी को नाचीज़ ना जाने और उसकी हकारत ना करें खुदा के बेहतरीन फरजंदों में भी खामियां और कमज़ोरियां होती हैं उन्हें भी तरबियत और तादीब की ज़रूरत होती है आने वाली मुसीबतों को सब्र से बर्दाश्त करें बाज़ मसाइब की वजह से बेदिल हो जाते और हिम्मत हार बैठते हैं मगर ऐसे हालात का मुकाबला करने के लिए खुदा से मदद मांगनी चाहिए ख़ुदा के फर्जंदों को सारे इंसानों के साथ मेल मिलाप का तालिब होना चाहिए पकीज़गी के बग़ैर कोई खुदामंद को ना देखेगा आज की तलावत में ऐसाऊ के गुनाह की मिसाल दी गई है उसने बेदीनी इख्तीर की और अपने पलोठे होने के हक को हेच जानकर बेच डाला और उसके सारे फ़वाद से हाथ उठा लिया जब उसे होश आया तो इल्म हुआ कि जिस बरकत को उसने हकीर जाना वो बहुत ग्रां कदर है गुनागार खुदा की बरकत को नाचीज़ समझते हैं लेकिन जब वक्त आता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है अजीज मोमिन आज की खुशखबरी खबरी मुक़दस के मुताबिक इंजील के छठे बाब से ली गई है जहाँ यसु मसीह अपने वतन नासरत में आया इसी वजह से उसका नाम यसु नासरी है सबत का दिन था जो इबादत के लिए मखसूस था इसलिए यसु मसीह भी इबादत के लिए गया जिस तरह रबी ख़ुदा के कलाम की तफसीर करते थे यसु मसीह ने भी खुदा के कलाम की तशरी करना शुरू की वो सब यसुमसी की हमत को देख कर हैरान हो गए उसकी तारीफ़ करने की बजाय उसको बेइज्जत करने की कोशिश की कि उसने ये तालीम कहाँ से पाई क्या ये वो बढ़ई नहीं इब्न मरियम और यकूब और यूसफ़ और यहूदा और शमाउन का भाई और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी मुकदस मत्ती के मुताबिक इंजील में उन्होंने कहा क्या ये भड़ई का बेटा नहीं यहूदियों के यहाँ एक बड़ा अच्छा असूल था कि जिन नौजवानों को दरस व तदरीस और तालीम से मुनसलिक करते थे उन्हें किसी हुनर की तरबियत भी देते थे जैसे मुकदस पालूस रसूल पेशे के एतबार से खेमा दोज़ी का माहिर था ताकि फ़ारग वक्त में कुछ काम करते रहें उन्होंने उसकी बेकदरी की थी कि इसके रिश्तेदार अदना लोग हैं हम इसके ख़ानदान और अज़ीज़ों को जानते हैं चुनाचे वो उसकी तालीम से हैरान हुए लेकिन उसकी शख्सियत से ठोकर खाई और इस वजह से उसकी तालीम कबूल ना की यसु मसीह ने उनसे कहा नबी अपने वतन अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज़्ज़त नहीं होता खादम अपने इलाक़ा में इतने मकबूल और कामयाब नहीं होते जितने गैरों के दरमियान होते हैं इसलिए वो उन्हें हमेशा कमतर और हकीर समझते हैं उन्होंने यसु मसीह की रसवाई की मगर उसने फिर भी उनके दरमियान भलाई की वो शरीरों और नाशुकरों पर भी मेहरबान है उसने सिर्फ़ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें शिफा दी यसु मसीह चाहता था कि वहाँ भी उतने ही मुजज़े करें जितने किसी दूसरी जगह किए थे लेकिन उनकी बेअादी के सबब ना कर सका आए आज ख़ुदा से ख़ास दुआ मांगें कि वो हमें ये फ़ज़ल बख्शे कि हम मुश्किल और मुसीबतों में अपने ईमान को थामे रखें ख़ुदा के कलाम की मुनादी करने वालों की कदर करने का फ़ज़ल दे और उनकी रसवाई करने की बजाय उन्हें कबूल करने की रू अनायत करे मसीह खुदावंत के वसीले से आमीन